आज हम इस लेक्चर में नॉट गेट की आईसी का ट्रूथ टेबल वेरिफिकेशन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। ये वर्चुअल सिमुलेटर है, इसका आप इस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, deldsim.com/simulator है। इस पे आप अपना आईसी को लगा के वायर से कनेक्शन करके इनपुट और आउटपुट और उसका ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको आज नॉट गेट की आईसी का वेरिफिकेशन करना है। नॉट गेट की आईसी का नंबर होता है 7400। नॉट गेट का हमने ट्रूथ टेबल वगैरह पढ़ रखा था कि जो आउटपुट रहता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंटेड रहता है। अगर इनपुट पे जीरो है तो आउटपुट पे वन आएगा, या वन है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये एक आईसी है 7404। ये नॉट गेट की आईसी है, इसी को आईसी को हमको वहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे हम अपने सिमुलेटर पे आ गए हैं। यहाँ पे आईसी, ये जो आपको दिख रहा है ये आईसी का पैड है, यहाँ पे आप अपनी आईसी को फिट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड आईसी, तो ऐड आईसी से जाके आप आईसी को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी बेस पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको बहुत तरीके की यहाँ पे आईसी दिख रही है। ठीक है, आपको हेक्स इन्वर्टर ये वाली आईसी चूज़ करना है, क्योंकि ये इन्वर्टर जो गेट है 7400 अगर आप LS हटा दें तो ये 7404 आता है। ओके, तो आपने हेक्स इन्वर्टर गेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऐड आईसी कर दिया, तो यहाँ पे इन्वर्टर आपका आ गया। अब आपको इसकी डेटा शीट देख के बाकी कनेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको पावर सप्लाई लगाना है, कहाँ पे ग्राउंड लगाना है, इनपुट और आउटपुट आपको कैसे लगाना है। डेटा शीट के लिए आप यहाँ शो डेटा शीट पे चले जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका डेटा शीट खुल जाएगा। यहाँ पे हमने ये डेटा शीट खोल निकाल ली है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी 7404 वाली ये आईसी है। ये हेक्स इन्वर्टर है, ठीक है, हेक्स का मतलब यहाँ पे 6 इन्वर्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये 14 पिन की आईसी है, डुअल इन लाइन पैकेज आईसी है। ओके, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पिन नंबर 14 पे आपका पावर सप्लाई है VCC, और पिन नंबर 7 पे आपका क्या लगा हुआ है, ग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब आप सर्किट कनेक्शन करेंगे तो फिर आपको पिन नंबर 14 और पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आपकी आईसी है, ये पैड पूरा 20 उसका पिन का है, बट आपको लेकिन यूज़ ये आईसी जो डार्क ब्लैक पे दिख रहा है वही आपका हो गया। तो यहाँ से आपकी आईसी नंबर शुरू होगा 1 2 3 4 7 तक, फिर 8 9 10 11 12 14 तक। ठीक है, तो 14 को आपको VCC से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका VCC है, आप यहाँ से वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने वायर लिया और यहाँ पे आपने VCC को कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 20 पे कनेक्ट हो गया। फिर आपको 7 नंबर जो पॉइंट है उससे आपको ग्राउंड को कनेक्ट करना है। फिर ग्राउंड का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आप इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, तो आपका जो पावर सप्लाई हो गया, ग्राउंड हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब आपको इनपुट देख के आउटपुट देखना है आप किस पे दे सकते हो। इनपुट आप जैसे पिन नंबर 1 पे आप इनपुट दोगे तो पिन नंबर 2 पे यहाँ पे आपको आउटपुट मिलने लगेगा, या पिन नंबर 2-3 पे आप इनपुट दोगे पिन नंबर 4 पे आउटपुट निकलेगा। तो किसी भी पिन में ये 6 इन्वर्टर है, इस आईसी में आपका 6 इन्वर्टर है, तो आप मान लीजिए हम 3 पे इनपुट देते हैं और 4 पे आउटपुट देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट के लिए 3 पे दे दिया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे स्विचेस लगी हैं, आप इससे इनपुट आउटपुट कर सकते हो। और 4 पे हम आउटपुट देखना चाहते हैं, 4 का पिन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे इसको बोर्ड को ऑन नहीं किया, फिर आप यहाँ पे पावर को दबाओगे तो बोर्ड आपका ऑन हो गया। ठीक है, बोर्ड ऑन हो गया, यहाँ पे ये जो जब भी 1 होता है तो LED जल जाती है, यहाँ पे इसका ऑन आपने नहीं किया तो ये 0 है, 0 है तो आउटपुट आपका 1 आ गया। ठीक है, यही इन्वर्ट होके आ रहा है, यही आपको देखना है। इनपुट लो है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, और इनपुट हाई है तो आउटपुट लो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक, अब आपने यहाँ पे इनपुट को हाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट को हाई कर दिया, ये वाली आपकी LED जल गई, लेकिन आप देखोगे आपकी LED यहाँ पे आउटपुट वाली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये इनपुट पे हाई है तो आउटपुट पे लो है। फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो तुरंत हमने इनपुट को अगर लो कर दिया है तो आपका आउटपुट हाई हो गया है। तो इस तरीके से आपकी जो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है वो वेरीफाई हो सकता है, और आप इसी तरीके से बाकी गेट की ICs लगा के आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं। ओके।